यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन से पानी की बोतल लेकर पीते हैं, तब आप सावधान हो जाइए। इस दूषित पानी से आप कहीं ना कहीं बीमार हो सकते हैं। आपकी आंखों के सामने मिर्ची झोंकी जा रही है। दरअसल कुछ तस्वीरें जबलपुर स्टेशन से सामने आई है, जिसे देखकर आपको जरूर हैरानी होगी। शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद रेलवे स्टेशन में पानी की बोतल लेने से पहले 4 बार जरूर सोचेंगे। दरअसल यह अवैध वेंडर यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म में फेंकी गई पानी की बोतल को पॉलीथीन में भरता है और इस पानी को रेलवे स्टेशन से भरकर यात्रियों को दे देता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले अवैध वेंडर प्लेटफॉर्म से फेंकी गई पानी की बोतल उठा रहा है, फिर उन बोतलों को इकट्ठा कर अपनी बनाई गई एक जगह पर, मतलब खाली बॉक्स पर, उन बोतलों को पॉलीथीन में भरकर ले जाता है। जब हम उस बॉक्स में जाकर देखते हैं, तब उस पॉलीथीन में खराब बोतलें होती हैं, जिन्हें अवैध वेंडर उठाकर रेलवे स्टेशन के प्याऊ में ले जाता है और उसी बोतल को दोबारा भरकर यात्रियों को दे देता है। हालांकि यह काम इतनी सफाई से किया जाता है कि यात्रियों को भनक भी नहीं लगती। जब ट्रेन कुछ समय के लिए स्टेशन में रुकती है, तब ऐसे अवैध वेंडर जनरल कोचों को निशाना बनाते हैं और यात्रियों को 20 रुपये में बिना सील की पानी की बोतल बेच देते हैं। इस पानी की बोतल को लेकर हमने उस यात्री से बातचीत की जिन्होंने यह बोतल खरीदी हुई थी। खोलिए खोलिए, खोल दीजिए। इसमें सील लगा रहा? नहीं लगल। ऐसी पानी दे दिया? ऐसी पानी बेच रहा है। कैसी बॉटल मिली? अभी सील लगा हुआ नहीं था पानी। अच्छा, वैसे दे दिया। कौन से स्टेशन से आपने लिया, कितने रुपए में लिया? जबलपुर। जबलपुर पानी 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 जी जी। कौन से स्टेशन से लिया आपने पानी? जबलपुर। अच्छा, कैसी पानी की बॉटल मिली आपको? सील हुआ लगा। अच्छा, नुकसान होगा आपको इस पानी से? बिना सील का है, कहाँ से पानी भर दिया? आपका मनोज कुमार है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं नागपुर से। अच्छा, खुली ही पानी की बोतल को देखकर यात्री भी हैरान हो गया कि आखिर पानी कहाँ से आया होगा। लिहाजा पूरे मामले को लेकर जब हमने जबलपुर के सीनियर DCM डॉक्टर मधुर वर्मा से बातचीत की, तब उन्होंने तत्काल एक्शन वीडियो पर ले लिया। आखिर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये वीडियो रिसेंटली रेलवे के संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति वहां पर रेलवे में रेल नीर की बोतलें थी और उनमें रेलवे के ही वाटर बूथ से पानी भर रहा था और उसका पानी को बांटने का प्रयास कर रहा था। तो हालांकि चूंकि रेलवे के बूथ से भरा है, तो हम मान सकते हैं कि पानी तो स्वच्छ था, लेकिन वो बॉटलें कहाँ से लाया है, कहाँ से उठाई हैं, उनकी स्वच्छता की गारंटी नहीं ली जा सकती थी। और चूंकि कोई बल्क में भर रहा है, अगर कोई पैसेंजर खुद के लिए भरता है तो 1 या 2 बोतल भरता है, 4 भर सकता है परिवार के लिए, परंतु वो बल्क में भर रहा है, 10 से 12 बोतलें थी उसके पास। तो हम लोगों ने पाया कि अनऑथराइज काम कर रहा है और शायद जब ट्रेन में भीड़ चले तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको बेचने की भी कोशिश करें। तो ऐसे वेंडर्स को हम लोग लगातार धरपकड़ जारी है और जिस दिन ये वीडियो संज्ञान में आया था, सेम शाम को व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया था, RPF के सुपुर्द कर दिया गया था, तथा हमारी टीम चौकस निगरानी रखे हुए कि ऐसी और कोई घटना सामने ना आए। और वहाँ पे जो हमारे रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ हैं, वेंडर्स हैं, उनको भी हमने कहा ऐसा अगर कोई भी माल प्रैक्टिस करते हुए मिलता है तो प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं, उचित कार्रवाई की जाती है। बहरहाल लोकल 18 के इस वीडियो सामने आने के बाद रेलवे अधिकारी ने तत्काल एक्शन लिया और RPF के हाथों उस अवैध वेंडर को सौंप दिया। लोकल 18 की टीम आपसे यह अपील करती है कि रेलवे स्टेशन में उन्हीं वेंडरों से खाद्य सामग्री या पानी की बोतल लें जिन्होंने आई कार्ड पहना हुआ है। यदि किसी भी तरह की कुछ अनैतिक गतिविधि समझ में आती है तो रेलवे को जरूर सूचित करें। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।